हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, आज मैं अपनी फ्रॉन्क्स में एक इश्यू एड्रेस करने वाला हूँ जो कि मुझे पहले नहीं आ रहा था, इन दिनों ही फेस हुआ है। अब वो इश्यू क्या है, वो है भाई, मतलब मैंने एक इश्यू के आपको कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था कि अगर हाई स्पीड पे मैं ब्रेक वगैरह मारता हूं, तो स्टेयरिंग इसका बबलिंग करता है एंड ऐसे वाइब्रेट होती है काफ़ी स्टेयरिंग में। वो इश्यू काफ़ी कॉमन है, बहुत सारी गाड़ियों में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम के साथ आ ही जाता है। एंड उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसका सॉल्यूशन वगैरह क्या है, बट आज का वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है। उस चीज़ का सॉल्यूशन तो देखो भाई मुझे पता है, बट अभी जिस इश्यू का मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका सॉल्यूशन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मैंने खुद ने ये इशू फर्स्ट टाइम फेस किया है अपनी जितनी भी गाड़ियाँ रखी है। एंड वो इशू क्या है भाई, देखो मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा अलाइनमेंट वगैरह बिल्कुल सही है, देखो गाड़ी एकदम स्ट्रेट चल रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इशू क्या है, इशू है भाई, मैंने आपको बताया हाई स्पीड पे स्टेयरिंग वाइब्रेट करता है, वो है क्योंकि डिस्क में लाइनिंग वगैरह आ चुकी है, तो वो रिसर्फिसिंग करानी पड़ेगी उस चीज़ की, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ में क्या इशू फेस हो रहा है, इशू मुझे ये फेस हो रहा है कि मैं जब भी जैसे हाईवे पे होता हूँ, हाई स्पीड पे ब्रेक मारता हूँ ना, तब भाई मतलब लिटरली है ना, मेरी गाड़ी लेफ्ट या राइट जाती है ब्रेकिंग के टाइम, वो भी ऐसा नहीं 80-100 तक तो ठीक है, 120 के बाद जब भी ब्रेक मारूंगा ना, गाड़ी इधर उधर जाएगी, हल्का फुल्का जाती है, कभी कभी तो स्टेयरिंग ऐसे भी रखना पड़ जाता है। अब इस रोड पे इतना फील नहीं हो रहा, बट जैसे मैं हाईवेज वगैरह पे होता हूँ, डिवाइडर वाले हाईवे होते हैं, 4 लेन वगैरह, उन पे मुझे ये चीज़ ज़्यादा फील हुई जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। यहाँ पे मैंने अभी भी रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो, बट उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि iOS 18 का जब से अपडेट आया भाई, इसमें कारप्ले में कनेक्ट होता ना, फिर ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो ये भी मेरे साथ थोड़ी बकचोदी होगी, इसलिए पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब दोबारा से ये दिख पाएगा नहीं पाएगा वो नहीं पता, देखते ट्राई करते हैं इसको, मैं पहले 80 पे ट्राई करता है, सॉरी 80 पे तो मैंने किया था, 80 पे नहीं फील होता, 100 या उसके अबाव ही फील होता है। अब उसके लिए हमें रोड भी ऐसी चाहिए होगी जिस पे फील हो, लेट्स सी भगा पाए, मतलब मेरा क्या कहने का मतलब ये है, अभी इस रोड पे देखते हैं भगा के कि फील होता है कि नहीं होता। गाड़ी 80 पे है, 80, 90, 100, ओके 100 पे जा चुकी है। देखो ये बाइक वाला, अगर अलाइनमेंट का इश्यू होता तो भाई इतनी स्टेबल थोड़ी चलती गाड़ी, आप बताओ, नहीं चलती ना, तो वही बात है भाई, इतनी स्टेबल चल रही है, सब हो रहा है, फिर भी आई डोंट नो भाई क्या ही दिक्कत है। ये भाई देख रॉन्ग साइड क्या चूतिया बंदा, ठीक है भाई। देखो अभी मेरी गाड़ी चल रही है, अब मैं 110 पे अभी ब्रेक मारता हूँ, ये देखो स्टेयरिंग देखो मेरा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये देखो स्टेयरिंग का अगर आपको फील हो रहा है तो हल्का सा टेढ़ा हुआ था, इस रोड पे इतना नहीं हो रहा, मेन हाईवे पे ये चीज़ ज़्यादा फील होती है जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। एंड भाई ये इशू मुझे अभी कुछ दिनों से ही फेस होना स्टार्ट हुआ है, मेरी गाड़ी अभी देखो 18,000 कुछ चल चुकी है, ये देखो 18,000 मतलब 19,000 चल चुकी है, अभी 1,000 किलोमीटर बाद इसकी फोर्थ सर्विस आ जाएगी, मैं उसी में इस इशू को एड्रेस करने वाला हूँ। क्योंकि देखो ये इशू ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से हो या कुछ हो, ये इशू मुझे अभी इन दिनों रिसेंट फील होना स्टार्ट हुआ है। एंड भाई आपको भी पता यार कितना रिस्की हो सकती है ये सब चीज़, अगर मान लो कभी हाई स्पीड पे हो, इवन रिसर्फेसिंग भाई कंपनी वाले तो आई डोंट थिंक करके देंगे, तो मुझे बाहर से करवानी पड़ेगी वो, तो लेट्स सी मैं पहले रिसर्फेसिंग करवा लूँगा या फिर सर्विसिंग के टाइम ये दिखा के फिर कभी रिसर्फेसिंग करा लूँगा, क्योंकि मैं इतनी भगाता भी नहीं हूँ, आपने ट्रिप पे देखा होगा ज़्यादातर मैंने 80 वगैरह ही मेंटेन करी है उसका तो, लेकिन ये इशू काफ़ी सीरियस है मेरी नज़र में, क्योंकि भाई हाई स्पीड पे एक ब्रेकिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको लाइक कॉन्फिडेंस देती है आपकी गाड़ी की कैसी है कैसी नहीं, वरना तो हाई स्पीड पे भाई भगा तो कोई भी सकता है, मेन चीज़ रोकने वाली है कि रोक कौन सकता है, अब ये रुकेगी ही नहीं, रुकेगी तो भी ऐसे रुकेगी कि आपको, अब देखो 120 पे है, अब मैं ब्रेक मारता हूँ, ये देखो 120 पे है, देखो गाड़ी इस लेन में थी एंड रुकी, देखो किस साइड है, ठीक है, टर्न उधर है, टर्न यहाँ पे भी नहीं है, टर्न उधर है, रुकी अभी भी स्टिल इधर की साइड जाके, यही इशू मैं आपको दिखाने वाला था काफ़ी टाइम से, बट ये दिख नहीं रही थी इस रोड पे, अभी दिखाया जाके, ये मुझे काफ़ी अनोइंग लगा भाई, पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या ये क्यों आ रही है ये दिक्कत, बट हाईवेज पे चलो ये तो नॉर्मल सिंगल रोड है, ऐसी रोड पे इतना ज़्यादा फील नहीं होता, जैसे हाईवेज आते हैं ना 4 लेन वाले जो थोड़े कर्वी होते हैं, जैसे टर्न पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा
पुराने हाईवे हो गए, उन सब में ये कुछ ज़्यादा ही मुझे फील हो रही है इन दिनों। मैं कोई व्यूज़ के लिए कुछ नहीं कर रहा भाई, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आराम से और भी वीडियोस बना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये इशू मुझे एड्रेस करना चाहिए। एंड भाई इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा मैं। इसका आपके पास सोल्यूशन है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि क्या दिक्कत है, किस वजह से बन रहा है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। जो स्टेयरिंग वाइब्रेट होता है उसका इशू मुझे पता है भाई, और उसको कैसे सोल्व करना मुझे वो भी पता है। बट ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अनोइंग लगी कि ब्रेकिंग के टाइम एटलीस्ट गाड़ी स्टेबल रहनी चाहिए, और वो थी भी। ऐसा नहीं कि मैंने ली तब से मुझे ये इशू फेस हो रहा है, तब तो फिर सारी गाड़ियों में होता। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि इतने से कम टाइम में कि 18,000-19,000 किलोमीटर गाड़ी चले और ऐसा सब इशू बनने लग जाए, तो ये भी एक थोड़ी सी अनोइंग बात है। जबकि अलाइनमेंट वगैरह सब ओके है गाड़ी के अंदर, होता तो भाई गाड़ी वैसे भी तो लेफ्ट राइट जाती। ये देखो ब्रेक मारा, गाड़ी देखो किधर जा रही है। जबकि चलो टर्न इधर है तो गाड़ी उधर की साइड जानी चाहिए ना, इस साइड में, बट गाड़ी उधर की साइड गई। ऐसी सब रोड हो ना जो थोड़ी सी भी मतलब पतली हो, या फिर हाईवेज वगैरह हो फोर लेन वाले, उन पे ये ज़्यादा चीज़ें फील होती है। नॉर्मली वो रोड थोड़ी अलग है भाई, उस पर इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। उस पर जो स्टेयरिंग टेढ़े वाली दिक्कत आई थी वो भी इतनी फील नहीं होती थी। ये इशू मुझे भाई फर्स्ट टाइम पता कब फेस हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैं रोड ट्रिप पे गया था अभी रिसेंट में, जो मैंने अभी ये यहाँ की करी है उत्तर प्रदेश की और भानगढ़ वगैरह की। तब वहाँ से उत्तर प्रदेश से आते टाइम जब मैं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे था, तो ये हल्का फुल्का ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा एकदम माइनर सा फील हुआ था मुझे वहाँ पे। लेकिन मैं वहाँ से आ गया क्योंकि मुझे लगा शायद रोड वोड थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो, टेढ़ा वेढ़ा हो, तो उसके फ्लो के हिसाब से भी हो जाता है फील, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं आ गया, कुछ दिन चलाई, हल्का हल्का फील हो रहा था स्टिल, बट आई वॉज लाइक चलो रोड की वजह से होगा, कुछ होगा। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते भाई इतनी हो गई है कि हाईवे पे अगर मैं कुछ ढंग की स्पीड पे हूँ ना, 150-140 भाई, लिटरली मुझे जैसे मैं बात करूँ ना, अगर मुझे रोकनी है तो मुझे स्टेयरिंग को ऐसे करना, बहुत टाइम ऐसा होता है कि इतना तक रखना पड़ जाता है स्टेयरिंग को ऐसे, तब जाके गाड़ी एकदम स्ट्रेट पोजिशन पर रुकती है, अदरवाइज वो स्ट्रेट पोजिशन पर रुकती भी नहीं है लिटरली। मैं कोई ऐसा व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, बट ये जो सच है भाई, जो सच है, नहीं रुकती गाड़ी एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे, अंटिल अगर मैं थोड़ा सा स्टेयरिंग टेढ़ा नहीं करूँ तो। इस तरीके से ये थोड़ी लेफ्ट की तरफ दबाती है जब मैं ब्रेक करता हूँ एट हाई स्पीड। अभी चलो अभी तो हाई स्पीड पे है, ठीक है, मैं ज़्यादा भगाता नहीं तो इतना मैं कर सकता हूँ मैनेज कुछ दिनों के लिए, जब तक 1,000 किलोमीटर नहीं चलती। 1,000 किलोमीटर जब मतलब अगर ऐसे नॉर्मली कंडीशन में हो, मेरी तबीयत वगैरह ठीक हो ना, तो शायद मेरे ख्याल से 1 महीने में चल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज शायद नवंबर में सिक सर्विस मैं करवा लूँ इसकी, तब दिखाऊंगा, या फिर अक्टूबर में इसकी सर्विस हो ही जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन भाई काफ़ी अनोइंग इशू है ये, क्योंकि गाड़ी में और कुछ हो ना हो, ड्राइविंग फील मेरी नज़र में कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है जैसे रैटलिंग नॉइज़ वगैरह, लेकिन जो ड्राइविंग फील है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके पास अगर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही फ्रॉन्ग्स या फिर ड्रैग रेसेस व्लॉग्स वगैरह लाते रहता हूँ टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।